हवे विद्यार्थी बहन आप आगे आशु आ विगत ने आधार आप समानता अंगे शू कर सको ते अंगे नोंध करो। आप नीचे चित्र आपेलू है कोष्टक में क्रम विगत ने अपने शू कर सकी। महिला ने ओछी मजूरी आपे तो आप शू कर सकी, तो कि समान काम माटे समान वेतन एटले के पैसा आपवा। सर्वोच्च अदालते राज्य सरकारों ने सूचव्यू छे के एटले के जणाव्यू छे ए मुजब नौकरीदाता ने एटले के नौकरी करती स्त्री ने समझावू के एक सरखा काम माटे स्त्रीओने पुरुषोना जेटलू ज मेहनताणू आपवू जोईए एटले के पैसा आपवा जोईए। बीजू छे के व्यक्तिनु आर्थिक शोषण थाय तो शू करशू आपणे, तो कि गुजरात राज्यना लघुत्तम वेतन धारा मुजब नौकरीदाताए श्रमिक ने मेहनताणू आपवू जोईए। आ माटे आपणे ए वेतन धारा मुजब श्रमिक ने पगार आपवा नौकरीदाताने जणाववू जोईए। जो ते श्रमिक ने व्याजबी पगार न आपे तो तेनी उपर कायदाना भंग बदल शिक्षात्मक पगला भरी शकाय छे। त्रीजू छे बाळ मजूर जोवा मळे तो शू करशू आपणे। 14 के तेथी ओछी उमरना कोई पण बाळकने काम करावा नोकरीए राखी शकाय नहीं। आ जोगवाईना भंग बदल नोकरीदाता विरुद्ध कानूनी राहे पगला भरीने सजा करावी शकाय छे। आ उपरांत ए बाळ मजूरने आपणे नौकरी छोड़ाने शाला में भणवा मुकवा माटे तेना वाली ने समझावु जोईए। हवे चौथु दिव्यांग माटेनी बसनी सीट पर अन्य कोई बैठू होय तो शू करशू आपणे। दिव्यांग माटेनी सीट पर बैठेली व्यक्तिनु आपणे ध्यान दौरवानुं के सत्तावाळा होय ते सीट छे दिव्यांग एटले के अपंग मुसाफर माटे अनामत राखेली छे, तेथी तेणे दिव्यांग ने बेसवा माटे ए सीट खाली करवी जोईए। जो ते सीट खाली न करे तो आपणे कंडक्टर ने फरियाद करवी जोईए। असमानता एक पड़कार एना पछी आपणे जोशुं। एक नानुं गाम, गाममां पाणीना बे ज कूवा हता। अहीं आखू गाम बे भागमां पाणी भरे। समय पसार थतो गयो, गामना एक कूवामां पाणी खलास थई गयुं। हवे अर्धा गामना लोकोने पाणी भरवानी अगवड पड़ी एटले के मुश्केली पड़ती हती। कूवामांथी पाणी खलास थई जशे ए डर होई एक विस्तारना लोकोने बीजा विस्तारमां कोई पाणी भरवा देतुं न हतुं। आ तो असमानता कहेवाय। समानतानो भંગ થાય તેવા એકાદ બનાવતી સામાજિક સમરસતા પર વિઘાતક અસર જોવા મળે છે, એટલે કે ખોટી અસર જોવા મળે છે। જેમ કે કેટલીક વખત ગામના કે વ્યક્તિગત પ્રસંગોએ વરઘોડો કાઢવા, મંદિર કે મસ્જિદના લાઉડસ્પીકર વગાડવાથી વિવાદ જોવા કે સાંભળવા મળે છે। આપણે આવું જોતા જશું સમાજમાં। આવી બાબતો સમાનતા રાખી પડકાર છે। આવા પ્રસંગે આપણે શાંતિ જળવાય તેવા પ્રયત્નો કરી સમાનતાના ભાવ સાથે વર્તન કરવું જોઈએ। સમાજમાં સમરસતા જળવાઈ રહે તે માટે સરકારશ્રી દ્વારા ખૂબ જ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે। દરેક સમાજને અને દરેક વ્યક્તિને સમાનતાનો અધિકાર બંધારણે આપ્યો છે। આપણે આપણા અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકીએ એ માટે જાગૃત થવું જ પડશે।